मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने इतने गरीबों के लिए घर बनाए, शौचालय बनाए, पानी भेजा, टॉयलेट बनाए, बिजली भेजी, घर ही दे दिया, आयुष्मान भारत योजना लाए, इतने रोड बनाए, इतनी सिंचाई की व्यवस्था करी, ये किसी के कारण हमारी जसकोर मीना बेन को वोट मत दीजिएगा। मैं बताता हूं ना, पार्टी के अध्यक्ष ना जसकोर मीना जी को इस सारे कामों के लिए वोट मत देना, नहीं चाहिए इस सारे कामों के लिए वोट। एक सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो भारत को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। आपके वोट पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और बहन जसकोर मीना का जो अधिकार बनता है वो मां भारती को सुरक्षित करने। मित्रों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घूस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मौनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलता। मैं आज भी नहीं भूल सकता, आज भी नहीं भूल सकता, हमारे भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे, पाकिस्तान की सीमाओं में ले जाकर पैर से उसको पानी करने का काम किया। मेरे जैसे लोग अंतिम सांस तक नहीं होता। मित्रों, आपने भाजपा सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी सरकार बना दी, इन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। अभी पुलवामा पर हमला हुआ, 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, क्रोध कि अब क्या होगा। हम भी सोच रहे थे अब क्या होगा, पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी, उनको लगा नरेंद्र मोदी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक में, तो सीमा पर टैंके तोपे सेना बिछा दी। मगर मोदी भी भैया 56 इंच की सीने वाला मर्द आदमी है, 56 इंच की सीने वाला। इन्होंने सीमा पर सेना बिछा दी, नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया जवानों की 13वीं के दिन, उनके 13वीं के दिन ही वायुसेना के विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बम गिराकर आतंकवादी अड्डों के फुर्जे उड़ाकर वापिस आ गए। मित्रों, मुझे बताओ दूसरा वालों, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? पीछे वाले भी बोले, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप सभी कह रहे हो अच्छा हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन देश भर के अंदर जवान युवा फटाखे जलाने लगे, माताएं बहने मिठाइयां बांटने लगी, जवानों की तस्वीर पर मालाएं चढ़ने लगी, शहीद जवानों के घर की विधवाएं उनकी माताएं भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमारे घर के बेटे का आज बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मित्रों, उस दिन दुनिया में दो ही देश थे, सिर्फ दो देश जो जवानों की शहीदगी का बदला लेते थे, अपने जो देश के जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके लिए महान भारत का अंदर डालने का काम नरेंद्र मोदी ने, पूरे देश भर के अंदर खुशी का माहौल। मगर दो जगह मातम छाया हुआ था, छापिया पीट पीट कर। एक तो पाकिस्तान में, वो तो रोने ही चाहिए ना, बताओ भैया रोने चाहिए नहीं रोने चाहिए? इस और बताओ भैया, रोने चाहिए नहीं रोने चाहिए? और दूसरा, ये राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में मातम छाया हुआ, साहब उनके चेहरे का नूर उठा, चेहरा देखा होता हंसी नहीं आती, रो नहीं सकते थे, सारी वेदना चेहरे पर। एक ख्वाब देखा था, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ख्वाब चकना चूर हो गया। उनको लगा हमारी तो वोट बैंकिंग चली गई,
और साहब वहां से लिए प्रमाण मांगते हैं। अरे अक्कल है तो जरा पाकिस्तान का टीवी खोल कर देख लो, वहां की संसद की हाई सोबा देखकर कोई प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां क्या। मित्रों यहां से भी लिए, श्याम पित्रोड़ा राहुल गांधी के गुरु, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कुछ लड़कों ने गलती कर दी और आपने बम गिरा दिए, इनसे बातचीत करो बातचीत करो। दूसरा वालों बताओ मुझे, 40 जवानों को जो मार दे इसके साथ बातचीत करने चाहिए या बम गिराने चाहिए? जोर से बोलो, बातचीत करनी चाहिए या बम गिराने चाहिए? अरे राहुल बाबा आपकी नीति, आपको मुबारक, आपकी नीति है आतंकवादियों से बातचीत करना, इलू इलू करना, आप करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं बताए देता हूं दोसा वालों, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से खोला जाएगा, ईद का जवाब पत्थर से। भारत माता की सुरक्षा के साथ, भारत माता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। भारत माता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च स्थान पर है। इलेक्शन आते हैं, आएंगे, जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, जो होना है वो होगा, मगर भारत माता की सुरक्षा के साथ हम समझौता नहीं। अभी अभी कश्मीर में चुनाव था, कांग्रेस पार्टी, गहलोत साहब की पार्टी, ये राहुल बाबा की पार्टी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समाधान, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? जरा बोलो, हो सकते हैं? होना चाहिए क्या? मित्रों ये लोग कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते, कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते। मैं बता देता हूं राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फिर से बनने वाले, मगर कोई दिन ऐसा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है तो भी, सत्ता में नहीं है तो भी इस सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तन में प्राण है, तब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई। मित्रों कश्मीर, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुट बनी है। कश्मीर को हम अपने प्राणों के बाजी लगाकर भी जाने नहीं देंगे। मित्रों हमने कहा है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हटा देंगे। हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये राहुल हम कहते हैं धारा 370 हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं राजद्रोह की कलम हटा, देशद्रोह की कलम हटा दो। क्यों भाई? ये पाकिस्तान की सीमा वाला इलाका को जासूसी करते पकड़ा जाएगा, कौन सी कलम लगेगी उस पर? देशद्रोह की कलम लगेगी या नहीं लगेगी? ये जेएनयू में नारे लगाए कुछ तत्वों ने, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मोदी जी ने देशद्रोह की कलम लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। मित्रों इनको जेल में भेजना चाहिए नहीं? जरा जोर से बोलो, भेजना चाहिए नहीं भेजना? ये कहते हैं देशद्रोह की कलम ही हटा। मित्रों मैं बताए देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 के नारे लगाने वालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे ही जगह है, उनको कहीं और नहीं रखा जा सकता। मित्रों हम हमारे एजेंडा के अंदर लेकर आए हैं घुसपैठियों को निकालना। दोसा वालों बताओ इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना?
विद्रोह हमने तय किया है, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्र नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प पत्र लेकर आए, हमने कहा है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर सूद नहीं लिया जाएगा, 0% ब्याज पर अब ऋण दिया जाएगा। किसान 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दी जाएगी, खेत मजदूर 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दी जाएगी, व्यापारी जो है छोटा व्यापारी वो 60 साल का हो जाएगा उसको भी पेंशन दी जाएगी, 40 लाख से कम टर्नओवर है उनके पास से जीएसटी नहीं लिया जाएगा, 60 लाख से कम टर्नओवर है उसके पास से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, देश के हर घर में शौचालय होगा, देश के हर घर में बिजली होगी, देश के हर घर में गैस होगा और देश के हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर होगा। मित्रों नरेंद्र मोदी जी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, 50 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम किया है। मुझे बताओ भैया ये काम मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? जोर से बोलो कर सकता है क्या? तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को फिर से जिताना है, जोर से बोलो जिताएंगे। बहन जसकौर मीना को कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी सरकार फिर से बनाओगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे, भारत को महासत्ता बनाओगे। याद रखना मित्रों बहन जसकौर मीना को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। प्रधानमंत्री बनाने दौसा वालों के सामने आज हमारे दोनों किरोड़ी लाल की उपस्थिति में मैं अपनी बहन जसकौर मीणा जी को सांसद बनाने की अपील कर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी भींचे, बोले फिर एक बार। मंच पर उपस्थित सांसद राज्यसभा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे दूसरे अरे हो गया सुन लिया बैठ जाओ भाई, हमारे दूसरे किरोड़ी लाल जी आज मैं यहाँ आकर इस चित्र देखकर प्रसन्न हूँ। जसकौर जी की जीत सुनिश्चित है क्योंकि दोनों किरोड़ी लाल जसकौर जी को जिताने के लिए आवे। मन पर उपस्थित हमारी प्रत्याशी बहन श्रीमती अरे भाई ए सुनो 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 हमारी बहन श्रीमती जसकौर मीणा जी, सांसद राजकुमार वर्मा जी, श्री रामकिशोर मीणा जी, हमारे विधानसभा में उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर जी,
श्री हेम सिंह भडाना जी, अलका सिंह जी, संजय जैन जी, अजीत मेहता जी, घनश्याम मालाहेड़ी जी, शंकरलाल शर्मा जी, रामकिशोर सैनी जी, राजेंद्र मीणा जी, रामविलास मीणा जी, कन्हैयालाल मीणा जी, वीरेंद्र मीणा जी, लक्ष्मीनारायण बैरवा जी, नंदलाल पंचीवाल जी, प्रमिला कुंडारा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारीगण और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। जयपुर एयरपोर्ट पर मैं तो समय से पहुंच गया, मगर हेलीकॉप्टर कहीं गड़बड़ा गया, पौन घंटा वहां बैठ रहना पड़ा, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मित्रों, आज चिलचिला की धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ये तीनों पंडाल खींचो खींच पड़े हैं, वो बताता है कि दौसा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ है। मित्रों, आज मैं मेरे बात की शुरुआत सबसे पहले यहां के देव भगवान बालाजी के चरणों में प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री नीलकंठ महादेव को स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में जो हमला हुआ, इसमें कोटा के भाई हेमराज मीणा, जयपुर के रोहतास लांबा, धौलपुर के भाई भगीरथ सिंह, भरतपुर के जीतराम गुर्जर और राजसमंद के नारायण गुर्जर हमारे पांच वीर जवान शहीद हुए हैं। ये पांचों वीर जवानों की स्मृति में प्रणाम कर मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, विगत 4.5 महीने के अंदर देश भर में आज मैं 271वीं लोकसभा क्षेत्र के अंदर आया हूं। 4.5 महीने के अंदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश की सभी दिशाओं में 271 लोकसभा क्षेत्रों में मैं घूमा। हर जगह एक ही नारा सुना है मैंने, एक ही नारा सुना है, पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, एक ही नारा सुनाई पड़ता है, मोदी 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 मोदी। मित्रों, मोदी मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता है, ये नारा कोई महज चुनावी नारा नहीं, देश की 125 करोड़ की जनता के मन से निकला हुआ नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और मित्रों, ये नारा जो मोदी मोदी का सुनाई पड़ता है, वो बताता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे प्रधानमंत्री। और मित्रों, इसका कारण नरेंद्र मोदी जी वो नेता है, देश जिसकी 70 साल से राह देख रहा, देश चाहता था कि कैसा व्यक्ति आए प्रधानमंत्री बने जो देश के गरीबों की चिंता करे, देश के गरीबों के लिए परिश्रम करे, देश के किसानों के लिए करे, देश के आदिवासियों के लिए करे, देश के पिछड़ों के लिए कठोर परिश्रम करे। और मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जानता हूं, 20 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं ली। 20 साल तक 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत परिश्रम करने वाला ये प्रधानमंत्री, और दूसरी ओर एक गठबंधन के नेता राहुल बाबा है, थोड़ी गर्मी बढ़ी नहीं कि राहुल बाबा वैकेशन पर विदेश गए थे,
और विदेश भी ऐसे जाते हैं, माँ भी ढूंढती रह जाती है। इस देश के गरीबों के लिए इनके जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, देश की 7 करोड़ गरीब माताओं की झोपड़ी से धुआं गायब कर, चूल्हा गायब कर, गैस का सिलेंडर और गैस की सगड़ी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। गरीब माँ, गरीब बेटी शोक से, शर्म से सुबह की प्रातः क्रिया करती थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय पहुंचाकर 8 करोड़ परिवारों की महिलाओं को, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता पहुंचा है। मित्रों, सम्मान के साथ जीने, देश में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली न पहुंची हो। देश में 90% से ज्यादा घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम किया है। और मित्रों, देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाकर उनके स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा। एक जमाना था गरीब के घर में कोई बीमारी आती थी, मानो बाप को कैंसर हो गया तो गरीब बेचारा बेटा बाप को अस्पताल तो ले जाता था, 2 दिन टेस्ट वेस्ट होते थे, बिल आया, बाप कहता था बेटे घर ले जा, मैं तो कैंसर से मरूंगा, तेरा पूरा परिवार ये ऋण के बोझ के तले दबकर मर जाएगा, दबकर मर जाएगा। और आंख में आंसू के साथ बेटा अपने बाप को घर पर ले जाता, वो इलाज नहीं करा। मगर आज कैंसर हो जाए, लकवा मार जाए, हार्ट अटैक हो, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो, 5 लाख तक का खर्चा पूरा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आज सुबह तक 24 लाख 25 हजार लोगों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। यहां पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य बनाने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने किया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी अभी मैं देख रहा था कि राहुल बाबा जोर से पूछ रहे थे, मैंने देखा अब अभी अभी उनको क्या हुआ है, किसी ने सलाह दी कि जोर से बोलो तो लोग ज्यादा सुनते, तो जोर से बोल रहे। मोदी जी बताओ आपने राजस्थान के लिए क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांगते हो? भैया, हमें तो अभी जुम्मे 5 साल हुए हैं, आपने तो इस देश पर 55 साल और 4 पीढ़ी तक शासन किया है, ये मेरे दौसा की जनता आपका हिसाब मांगती है, जरा हिसाब लेकर आ जाओ। मित्रों, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की जरूरत नहीं, मगर ये दौसा की जनता जो मेरे सामने बैठी है वो हमारी माई बाप है, माई बाप, मैं उसको हिसाब देने आया हूं, दौसा की जनता को हिसाब देना। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सोनिया, मनमोहन की सरकार थी, अभी के मुख्यमंत्री महामंत्री भी रहे, और 10 साल तक राजस्थान को क्या दिया? गहलोत साहब, कान बहरे नहीं हुए तो कान खोल कर सुनो और जवाब दो, आपने 10 साल में राजस्थान को क्या किया? 13वां वित्त आयोग आया, 13 फाइनेंस कमीशन में राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था।
कितना दिया था बोलो भाई। मैं फिर से बोलता हूं, जोर से बोलना पड़ेगा, 1,09,000 करोड़ रुपया 5 साल में कांग्रेस ने दिया था। कितना? अब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दी, 26 की 26 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। अब मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 5 साल किया काम, ये 25 की 25 सीटों का परिणाम देखिए साहब। मोदी जी ने 5 साल काम किया, 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,78,461 करोड़ रुपया राजस्थान को दे दिया। मुद्रा लोन के अंदर 37,500 करोड़, रेलवे के लिए 23,000 करोड़, अमृत मिशन 1,600 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान 409 करोड़, मुद्रा प्रबंधन 457 करोड़, 6 राष्ट्रीय राजमार्ग 6,000 करोड़, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 3,500 करोड़, 35,000 करोड़ की रिफाइनरी राजस्थान के अंदर डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री के तहत टोटल 3,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए दिए, ढेर सारे काम वसुंधरा राजे सरकार ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं। मित्रों, वन रैंक वन पेंशन, ये वीरों की भूमि, यहां से सेना में बहुत सारे जवान अपनी जवानी लगाकर मां भारती की सेवा करते हैं। 55-55 साल से सेना के जवान वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस सरकार नहीं देती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई, पहले ही साल वन रैंक वन पेंशन को मंजूर कर जवानों को 8,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में देने का काम। 1,25,000 जवान राजस्थान के, इनको 307 करोड़ रुपया हर साल अब ज्यादा मिलता है मित्रों, ज्यादा मिलता है। शायद इनका भत्ता भी दोगुना कर दिया। ढेर सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे। मित्रों, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ के हवाई अड्डे को उड़ान के तहत जोड़ने का काम किया, 10 नई रेल लाइन बिछाई, 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए और 398 किलोमीटर का NH-68 नया बनाने की शुरुआत। मित्रों, अभी जसकोर बहन कहती थी, अभी कहती थी कि भाई अक्षया तृतीया के भाग उनको दीजिए, कई रूप होते हैं भाग के। उन्होंने कहा और कुछ नहीं चाहिए, मोदी जी के लिए वोट ही दे दीजिए, उनका भाग हो। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने इतने गरीबों के लिए घर बनाए, शौचालय बनाए, पानी भेजा, टॉयलेट बनाए, बिजली भेजी, घर ही दे दिया, आयुष्मान भारत योजना लाए, इतने रोड बनाए, इतनी सिंचाई की व्यवस्था करी, ये किसी के कारण हमारी जसकोर बिना बैन को वोट मत दीजिएगा। मैं बताता हूं ना, पार्टी के अध्यक्ष ना जसकोर मीना जी को इस सारे कामों के लिए वोट मत देना, नहीं चाहिए इस सारे कामों के लिए वोट। एक सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो भारत को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। आपके वोट पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और बहन जसकोर मीना का जो अधिकार बनता है वो मां भारती को सुरक्षित करे। मित्रों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घूस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मौनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलता। मैं आज भी नहीं भूल सकता, आज भी नहीं भूल सकता, हमारे भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे पाकिस्तान की सीमाओं में ले जाकर पैर से उसको पानी करने का काम किया। मेरे जैसे लोग अंतिम सांस तक नहीं होता। मित्रों, आपने भाजपा सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी सरकार बना दी, इन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। अभी पुलवामा पर हमला हुआ, 40 जवानों को
मौत के घाट उतार दिया। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, क्रोध कि अब क्या होगा। हम भी सोच रहे थे अब क्या होगा। पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपें बिछा दी। उनको लगा नरेंद्र मोदी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, तो सीमा पर टैंके, तोपें, सेना बिछा दी। मगर मोदी भी भैया 56 इंच की सीने वाला मर्द आदमी है, 56 इंच की सीने वाला। इन्होंने सीमा पर सेना बिछा दी। नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया जवानों की 13वीं के दिन, उनके 13वीं के दिन ही वायुसेना के विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बम गिराकर आतंकवादी अड्डों के फुर्जे उड़ाकर वापिस आ गए। मित्रों मुझे बताओ सवाल, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जोर से बोलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। पीछे वाले भी बोले अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आप सभी कह रहे हो अच्छा हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन देश भर के अंदर जवान युवा फटाके जलाने लगे, माताएं बहनें मिठाइयां बांटने लगी, जवानों की तस्वीर पर मालाएं चढ़ने लगी, शहीद जवानों के घर की विधवाएं उनकी माताएं भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमारे घर के बेटे का आज बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मित्रों उस दिन दुनिया में दो ही देश थे, सिर्फ दो देश जो जवानों की शहीदगी का बदला लेते थे, अपने जो देश के जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके लिए महान भारत का अंदर डालने का काम नरेंद्र मोदी। पूरे देश भर के अंदर खुशी का माहौल, मगर दो जगह मातम छाया हुआ था। छातियां पीट पीट कर, एक तो पाकिस्तान में, वो तो रोने ही चाहिए ना, बताओ भैया रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए? इस और बताओ भैया रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए? और दूसरा ये राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में मातम छाया हुआ, साहब उनके चेहरे का नूर हुआ, चेहरा देखा होता हंसी नहीं आती, रो नहीं सकते थे, सारी वेदना चेहरे पर। एक ख्वाब देखा था, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ख्वाब चकनाचूर हो गया। उनको लगा हमारी तो वोट बैंकिंग चली गई। और साहब वहां से नहीं प्रमाण मांगते हैं, अरे अक्कल है तो जरा पाकिस्तान का टीवी खोल कर देख लो, वहां की संसद की हाई सोबा देखकर कोई प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां क्या। मित्रों यहां से भी नहीं, श्याम पित्रोड़ा राहुल गांधी के गुरु, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कुछ लड़कों ने गलती कर दी और आपने बम गिरा दिए, इनसे बातचीत करो। दूसरा वालों बताओ मुझे, 40 जवानों को जो मार दे इसके साथ बातचीत करने चाहिए या बम गिराने चाहिए? जोर से बोलो बातचीत करनी चाहिए या बम गिराने चाहिए? अरे राहुल बाबा आपकी नीति, आपको मुबारक, आपकी नीति है आतंकवादियों से बातचीत करना, इलो इलो करना, आप करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं बताए देता हूं दोसा वालों, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से खोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से। भारत माता की सुरक्षा के साथ, भारत माता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। भारत माता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च स्थान पर है। इलेक्शन आते हैं, आएंगे, जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, जो होना है वो होगा, मगर भारत माता की सुरक्षा के साथ हम समझौता नहीं कर सकते।
अभी अभी कश्मीर में चुनाव था, कांग्रेस पार्टी, गहलोत साहब की पार्टी, ये राहुल बाबा की पार्टी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समाधान, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या दिया? कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। भाई एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? जरा बोलो, हो सकते हैं? होना चाहिए क्या? मित्रों, ये लोग कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते, कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते। मैं बता देता हूं राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फिर से बनने वाले, मगर कोई दिन ऐसा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है तो भी, सत्ता में नहीं है तो भी इस सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तन में प्राण है, तब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। मित्रों, कश्मीर, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है। कश्मीर को हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी जाने नहीं देंगे। मित्रों, हमने कहा है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हटा देंगे। हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये राहुल हम कहते हैं धारा 370 हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं राजद्रोह की कलम हटा, देशद्रोह की कलम हटा दो। क्यों भाई? ये पाकिस्तान की सीमा वाला इलाका है, कोई जासूसी करते पकड़ा जाएगा, कौन सी कलम लगेगी उस पर? देशद्रोह की कलम लगेगी या नहीं लगेगी? ये जेएनयू में नारे लगाए कुछ तत्वों ने, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मोदी जी ने देशद्रोह की कलम लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। मित्रों, इनको जेल में भेजना चाहिए नहीं? जरा जोर से बोलो, भेजना चाहिए नहीं भेजना? ये कहते हैं देशद्रोह की कलम ही हटा। मित्रों, मैं बताए देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 के नारे लगाने वालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे ही जगह है, उनको कहीं और नहीं रखा जा सकता। मित्रों, हम हमारे एजेंडा के अंदर लेकर आए हैं घुसपैठियों को निकालना। दोसा वालों बताओ, इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना? मित्रों, हमने तय किया है, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प पत्र लेकर आए, हमने कहा है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर सूद नहीं लिया जाएगा, 0% ब्याज पर अब ऋण दिया जाएगा। किसान 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दी जाएगी, खेत मजदूर 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दी जाएगी, व्यापारी जो है छोटा व्यापारी वो 60 साल का हो जाएगा उसको भी पेंशन दी जाएगी, 40 लाख से कम टर्नओवर है उनके पास से जीएसटी नहीं लिया जाएगा, 60 लाख से कम टर्नओवर है उसके पास से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, देश के हर घर में शौचालय होगा, देश के हर घर में बिजली होगी, देश के हर घर में गैस होगा और देश के हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर होगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम किया, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम, 50 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम किया है। मुझे बताओ भैया, ये काम मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या?
कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को फिर से जिताना है। जोर से बोलो, जिताएंगे। बहन जसकोर मीना को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी सरकार फिर से बनाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे? भारत को महासत्ता बनाओगे? याद रखना मित्रों, बहन जसकोर मीना को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। प्रधानमंत्री बनाने दौसा वालों के सामने आज हमारे दोनों किरोड़ी लाल की उपस्थिति में मैं अपनी बहन जसकोर मीणा जी को सांसद बनाने की अपील करकर मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी भींचे, बोले फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सांसद राज्यसभा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे दूसरे, अरे हो गया, सुन लिया, बैठ जाओ भाई, हमारे दूसरे किरोड़ी लाल जी, आज मैं यहां आकर इस चित्र देखकर प्रसन्न हूं। जसकोर जी की जीत सुनिश्चित है क्योंकि दोनों किरोड़ी लाल जसकोर जी को जिताने के लिए आवे। मंच पर उपस्थित हमारी प्रत्याशी बहन श्रीमती, अरे भाई, ए सुनो सुनो सुनो, हमारी बहन श्रीमती जसकोर मीणा जी, सांसद राजकुमार वर्मा जी, श्री राम किशोर मीणा जी, हमारे विधानसभा में उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर जी, श्री हेम सिंह बडाना जी, अलका सिंह जी, संजय जैन जी, अजीत मेहता जी, घनश्याम मालाहेड़ी जी, शंकरलाल शर्मा जी, राम किशोर सैनी जी, राजेंद्र मीणा जी, रामविलास मीणा जी, कन्हैयालाल मीणा जी, वीरेंद्र मीणा जी, लक्ष्मीनारायण बैरवा जी, नंदलाल पंचीवाल जी, प्रमिला कुंडारा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारीगण और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। जयपुर एयरपोर्ट पर मैं तो समय से पहुंच गया मगर हेलीकॉप्टर कहीं गड़बड़ा गया, पौन घंटा वहां बैठ रहना पड़ा, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मित्रों, चिलचिला की धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ये तीनों पेंडाल खींचो खींच पड़े हैं, वो बताता है कि दौसा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ है। मित्रों, आज मैं मेरे बात की शुरुआत सबसे पहले यहां के देव भगवान बालाजी के चरणों में प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री नीलकंठ महादेव को स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में जो हमला हुआ इसमें कोटा के भाई हेमराज मीणा, जयपुर के रोहतास लांबा, धौलपुर के भाई भगीरथ सिंह, भरतपुर के जीतराम गुर्जर और राजसमंद के नारायण गुर्जर
हमारे पांच वीर जवान शहीद हुए हैं, ये पांचों वीर जवानों की स्मृति में प्रणाम करकर मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, विगत साढ़े चार महीने के अंदर देश भर में आज मैं 271वीं लोकसभा क्षेत्र के अंदर आया हूं। साढ़े चार महीने के अंदर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश की सभी दिशाओं में 271 लोकसभा क्षेत्रों में मैं घूमा। हर जगह एक ही नारा सुना है, मैंने एक ही नारा सुना है, पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, एक ही नारा सुनाई पड़ता है, मोदी 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 मोदी। मित्रों, मोदी मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता है, ये नारा कोई महज चुनावी नारा नहीं, देश की 125 करोड़ की जनता के मन से निकला हुआ नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और मित्रों, ये नारा जो मोदी मोदी का सुनाई पड़ता है, वो बताता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे प्रधानमंत्री। और मित्रों, इसका कारण नरेंद्र मोदी जी वो नेता है देश जिसकी 70 साल से राह देख रहा, देश चाहता था कि कैसा व्यक्ति आए प्रधानमंत्री बने जो देश के गरीबों की चिंता करे, देश के गरीबों के लिए परिश्रम करे, देश के किसानों के लिए करे, देश के आदिवासियों के लिए करे, देश के पिछड़ों के लिए कठोर परिश्रम करे। और मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जानता हूं, 20 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं ली। 20 साल तक 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत परिश्रम करने वाला ये प्रधानमंत्री, और दूसरी ओर एक गठबंधन के नेता राहुल बाबा है। थोड़ी गर्मी बढ़ी नहीं कि राहुल बाबा वैकेशन पर विदेश गए थे, और विदेश भी ऐसे जाते हैं माँ भी ढूंढती रह जाती है। इस देश के गरीबों के लिए इनके जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, देश की 7 करोड़ गरीब माताओं की झोपड़ी से धुआं गायब कर चूल्हा गायब कर गैस का सिलेंडर और गैस की सगड़ी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया, गरीब माँ गरीब बेटी शोक से शर्म से सुबह की प्रातः क्रिया करती थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय पहुंचाकर 8 करोड़ परिवारों की महिलाओं को बेटियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता पहुंचा है। मित्रों, सम्मान के साथ जीने, देश में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली न पहुंची हो। देश में 90% से ज्यादा घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम किया है। और मित्रों, देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाकर उनके स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। एक जमाना था गरीब के घर में कोई बीमारी आती थी, मानो बाप को कैंसर हो गया तो गरीब बेचारा बेटा बाप को अस्पताल को ले जाता था, 2 दिन टेस्ट वेस्ट होते थे, बिल आया, बाप कहता था बेटे घर ले जा, मैं तो कैंसर से मरूंगा, तेरा पूरा परिवार ये ऋण के बोझ के तले दबकर मर जाएगा, दबकर मर जाएगा। और आंख में आंसू के साथ बेटा अपने बाप को घर पर ले जाता, वो इलाज नहीं करा,
मगर आज कैंसर हो जाए, लकवा मार जाए, हार्ट अटैक हो, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो, 5 लाख तक का खर्चा पूरा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आज सुबह तक 24 लाख 25,000 लोगों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। यहां पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य बनाने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने किया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी अभी मैं देख रहा था कि राहुल बाबा जोर से पूछ रहे थे, मैंने देखा बाप अभी अभी उनको क्या हुआ है, किसी ने सलाह दी है कि जोर से बोलो तो लोग ज्यादा सुनते, तो जोर से बोल रहे। मोदी जी बताओ आपने राजस्थान के लिए क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांगते हो? भैया हमें तो अभी जुम्मे 5 साल हुए हैं, आपने तो इस देश पर 55 साल और 4 पीढ़ी तक शासन किया है, ये मेरे दौसा की जनता आपका हिसाब मांगती है, जरा हिसाब लेकर आ जाओ। मित्रों, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की जरूरत नहीं, मगर ये दौसा की जनता जो मेरे सामने बैठी है वो हमारी माई बाप है, माई बाप, मैं उसको हिसाब देने आया हूं, दौसा की जनता को हिसाब देना। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सोनिया मनमोहन की सरकार थी, अभी के मुख्यमंत्री महामंत्री भी रहे और 10 साल तक राजस्थान को क्या दिया? गहलोत साहब, कान बहरे नहीं हुए तो कान खोलकर सुनो और जवाब दो, आपने 10 साल में राजस्थान को क्या किया? 13वां वित्त आयोग आया, 13 फाइनेंस कमीशन में राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो भाई? मैं फिर से बोलता हूं, जोर से बोलना पड़ेगा, 1,09,000 करोड़ रुपया 5 साल में कांग्रेस ने दिया था। कितना? अब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दी, 26 की 26 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। अब मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 5 साल किया काम, ये 25 की 25 सीटों का परिणाम देखिए साहब, मोदी जी ने 5 साल काम किया, 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,78,461 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का। मुद्रा लोन के अंदर 37,500 करोड़, रेलवे के लिए 23,000 करोड़, अमृत मिशन 1,600 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान 409 करोड़, मुद्रा प्रबंधन 457 करोड़, 6 राष्ट्रीय राजमार्ग 6,000 करोड़, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग 3,200 करोड़, 35,000 करोड़ की रिफाइनरी राजस्थान के अंदर डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रेशन के तहत टोटल 3,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए दिए, ढेर सारे काम वसुंधरा राजे सरकार ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं। मित्रों, वन रैंक वन पेंशन, ये वीरों की भूमि, यहां से सेना में बहुत सारे जवान अपनी जवानी लगाकर मां भारती की सेवा करते, 55 साल से सेना के जवान वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस सरकार नहीं देती थी, नरेंद्र मोदी सरकार आई, पहले ही साल वन रैंक वन पेंशन को मंजूर कर जवानों को 8,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में देने का काम। 1,25,000 जवान राजस्थान के, इनको 307 करोड़ रुपया हर साल अब ज्यादा मिलता है। मित्रों, ज्यादा मिलता है, साइकिल का भत्ता भी दोगुना कर दिया, ढेर सारे काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। मित्रों, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ के हवाई अड्डे को उड़ान के तहत जोड़ने का काम किया, 10 नई रेल लाइन बिछाई, 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए और 398 किलोमीटर का NH-63A नया बनाने की शुरुआत। मित्रों, अभी जसकोर बहन कहती थी, अभी कहती थी कि भाई पक्षीय तृतीया के भाग उनको दीजिए, कई रूप होते हैं भाग। उन्होंने कहा और कुछ नहीं चाहिए, मोदी जी के लिए वोट ही दे दीजिए, उनका भाग हो गया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने इतने गरीबों के लिए घर बनाए, शौचालय बनाए, पानी भेजा, टॉयलेट बनाए, बिजली भेजी, घर ही दे दिया, आयुष्मान भारत योजना लाए, इतने रोड बनाए, इतनी सिंचाई की व्यवस्था करी, ये किसी के कारण हमारी जसकोर मीना बहन को वोट मत दीजिएगा। मैं बताता हूं ना, पार्टी के अध्यक्ष ना जसकोर मीना जी को इस सारे कामों के लिए वोट मत देना, नहीं चाहिए ये सारे कामों के लिए वोट। एक सबसे बड़ा काम अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो भारत को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। आपके वोट पर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और बहन जसकोर मीना का जो अधिकार बनता है वो मां भारती को सुरक्षित करने। मित्रों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घूस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मौनी बाबा के मुंह से उफ नहीं निकलता। मैं आज भी नहीं भूल सकता, आज भी नहीं भूल सकता, हमारे भाई हेमराज का सर काट कर ले गए थे पाकिस्तान की सीमाओं में ले जाकर पैर से उसको पानी करने का काम किया। मेरे जैसे लोग अंतिम सांस तक नहीं होता। मित्रों, आपने भाजपा सरकार बना दी, नरेंद्र मोदी सरकार बना दी, इन नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। अभी पुलवामा पर हमला हुआ, 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, देश भर के अंदर गुस्सा, हताशा, निराशा, क्रोध कि अब क्या होगा। हम भी सोच रहे थे अब क्या होगा, पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, सीमा पर सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी, उनको लगा नरेंद्र मोदी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक है, तो सीमा पर टैंके तोपे सेना बिछा दी। मगर मोदी भी भैया 56 इंच की सीने वाला मर्द आदमी है, 56 इंच की सीने वाला। इन्होंने सीमा पर सेना बिछा दी, नरेंद्र मोदी जी ने वायुसेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया जवानों की 13वीं के दिन, उनके 13वीं के दिन ही वायुसेना के विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर बम गिराकर आतंकवादी अड्डों के फुर्जे फुर्जे उड़ाकर वापिस आ गए। मित्रों, मुझे बताओ सवाल, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? पीछे वाले भी बोले, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप सभी कह रहे हो अच्छा हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन देश भर के अंदर जवान युवा फटाखे जलाने लगे, माताएं बहनें मिठाइयां बांटने लगी, जवानों की तस्वीर पर मालाएं चढ़ने लगी, शहीद जवानों के घर की विधवाएं उनकी माताएं भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी कि प्रभु हमारे घर के बेटे का आज बदला लेने का काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मित्रों, उस दिन दुनिया में दो ही देश थे, सिर्फ दो देश जो जवानों की शहीदगी का बदला लेते थे, अपने जो देश के जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके लिए महान भारत का अंदर डालने का काम नरेंद्र मोदी, पूरे देश भर के अंदर खुशी का माहौल। मगर दो जगह
दो जगह मातम छाया हुआ था, छातियां पीट पीट कर, एक तो पाकिस्तान में, वो तो रोने ही चाहिए ना, बताओ भैया रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए, इस और बताओ भैया रोने चाहिए या नहीं रोने चाहिए, और दूसरा ये राहुल बाबा इन कंपनी के कार्यालय में मातम छाया हुआ, साहब उनके चेहरे का नूर हुआ, चेहरा देखा होता हंसी नहीं आती, रो नहीं सकते थे, सारी वेदना चेहरे पर, एक ख्वाब देखा था मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ख्वाब चकना चूर हो गया, उनको लगा हमारी तो वोट बैंकिंग चली गई, और साहब वहां से नहीं प्रमाण मांगते हैं, अरे अक्कल है तो जरा पाकिस्तान का टीवी खोल कर देख लो, वहां की संसद की हाई सोबा देखकर कोई प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वहां क्या मित्रों, यहां से भी नहीं राम पित्रोड़ा राहुल गांधी के गुरु, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कुछ लड़कों ने गलती कर दी और आपने बम गिरा दिए, इनसे बातचीत करो बातचीत करो, दूसरा वालों बताओ मुझे 40 जवानों को जो मार दे इसके साथ बातचीत करने चाहिए या बम गिराने चाहिए, जोर से बोलो बातचीत करनी चाहिए या बम गिराने चाहिए, अरे राहुल बाबा आपकी नीति आपको मुबारक, आपकी नीति है आतंकवादियों से बातचीत करना इलो इलो करना, आप करते रहो हमें कोई आपत्ति नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, मैं बताए देता हूं दोसा वालों, पाकिस्तान से गोली आएगी यहां से खोला जाएगा, ईद का जवाब पत्थर से, भारत माता की सुरक्षा के साथ, भारत माता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती, भारत माता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च स्थान पर है, इलेक्शन आते हैं आएंगे जाएंगे जीतेंगे हारेंगे जो होना है वो होगा, मगर भारत माता की सुरक्षा के साथ हम समझौता नहीं करते। अभी अभी कश्मीर में चुनाव था, कांग्रेस पार्टी गहलोत साहब की पार्टी ये राहुल बाबा की पार्टी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समाधान, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट क्या दिया, कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए, भाई एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या, जरा बोलो हो सकते हैं, होना चाहिए क्या मित्रों, ये लोग कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहिए, कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री चाहते, मैं बता देता हूं राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, फिर से बनने वाले, मगर कोई दिन ऐसा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है तो भी, सत्ता में नहीं है तो भी इस सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के तन में प्राण है, तब तक कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई मित्रों, कश्मीर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है, कश्मीर को हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी जाने नहीं देंगे, मित्रों हमने कहा है मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो कश्मीर के अंदर से धारा 370 को हटा देंगे, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए, ये राहुल हम कहते हैं धारा 370 हटाओ, राहुल बाबा कहते हैं राजद्रोह की कलम हटाओ, देशद्रोह की कलम हटा दो, क्यों भाई, ये पाकिस्तान की सीमा वाला इलाके को जासूसी करके पकड़ा जाएगा, कौन सी कलम लगेगी उस पर, देशद्रोह की कलम लगेगी या नहीं लगेगी, ये जेएनयू में नारे लगाए कुछ तत्वों ने, भारत तेरे टुकड़े हो 1000 इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मोदी जी ने देशद्रोह की कलम लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया,
मित्रों, इनको जेल में भेजना चाहिए नहीं, जरा जोर से बोलो भेजना चाहिए नहीं भेजना। ये कहते हैं देशद्रोह की कलम ही हटा। मित्रों, मैं बताए देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 के नारे लगाने वालों के लिए जेल की सलाखों के पीछे ही जगह है, उनको कहीं और नहीं रखा जा सकता। मित्रों, हम हमारे एजेंडा के अंदर लेकर आए हैं घुसपैठियों को निकालना। दोसा वालों, बताओ इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना? जोर से बोलो निकालना चाहिए या नहीं निकालना? मित्रों, हमने तय किया है, आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प पत्र लेकर आए, हमने कहा है मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को जो ऋण दिया जाता है उस पर सूद नहीं लिया जाएगा, 0% ब्याज पर अब ऋण दिया जाएगा। किसान 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दी जाएगी, खेत मजदूर 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दी जाएगी, व्यापारी जो है छोटा व्यापारी वो 60 साल का हो जाएगा उसको भी पेंशन दी जाएगी, 40 लाख से कम टर्नओवर है उनके पास से जीएसटी नहीं लिया जाएगा, 60 लाख से कम टर्नओवर है उसके पास से इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, देश के हर घर में शौचालय होगा, देश के हर घर में बिजली होगी, देश के हर घर में गैस होगा और देश के हर घर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर होगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम, 50 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर उजियारा भरने का काम किया है। मुझे बताओ भैया, ये काम मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? जोर से बोलो कर सकता है क्या? तो इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को फिर से जिताना है, जोर से बोलो जिताएंगे। बहन जसकोर मीना को कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी सरकार फिर से बनाओगे, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे, भारत को महासत्ता बनाओगे। याद रखना मित्रों, बहन जसकोर मीना को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। प्रधानमंत्री बनाने दौसा वालों के सामने भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सांसद राज्यसभा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी, हमारे दूसरे, अरे हो गया सुन लिया बैठ जाओ भाई, हमारे दूसरे किरोड़ीलाल जी, आज मैं यहां आकर इस चित्र देखकर प्रसन्न हूं, जसकोर जी की जीत सुनिश्चित है क्योंकि दोनों किरोड़ीलाल जसकोर जी को जिताने के लिए आवे। मंच पर उपस्थित हमारी प्रत्याशी बहन श्रीमती, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, हमारी बहन श्रीमती जसकोर मीना जी, सांसद राजकुमार वर्मा जी, श्री राम किशोर मीना जी, हमारे विधानसभा में उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, श्री हेमसिंह बडाना जी, अलका सिंह जी, संजय जैन जी, अजीत मेहता जी, घनश्याम बालाहेड़ी जी,
शंकरलाल शर्मा जी, रामकिशोर सैनी जी, राजेंद्र मीणा जी, रामविलास मीणा जी, कन्हैयालाल मीणा जी, वीरेंद्र मीणा जी, लक्ष्मीनारायण बैरवा जी, नंदलाल पंचीवाल जी, प्रमिला कुंडारा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारीगण और आज इस विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। जयपुर एयरपोर्ट पर मैं तो समय से पहुंच गया, मगर हेलीकॉप्टर कहीं गड़बड़ा गया, पौन घंटा वहां बैठ रहना पड़ा, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात की शुरुआत कर रहा हूं। मित्रों, आज चिलचिला की धूप में 40 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर के अंदर ये तीनों पंडाल खींचो खींच पड़े हैं, वो बताता है कि दौसा सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ। मित्रों, आज मैं मेरे बात की शुरुआत सबसे पहले यहां के देव भगवान बालाजी के चरणों में प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। श्री नीलकंठ महादेव को स्मरण कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी पुलवामा में जो हमला हुआ, इसमें कोटा के भाई हेमराज मीणा, जयपुर के रोहतास लांबा, धौलपुर के भाई भगीरथ सिंह, भरतपुर के जीतराम गुर्जर और राजसमंद के नारायण गुर्जर, हमारे पांच वीर जवान शहीद हुए हैं। ये पांचों वीर जवानों की स्मृति में प्रणाम कर मैं मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, विगत 4.5 महीने के अंदर देश भर में आज मैं 271वीं लोकसभा क्षेत्र के अंदर आया हूं। 4.5 महीने के अंदर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश की सभी दिशाओं में 271 लोकसभा क्षेत्रों में मैं घूमा। हर जगह एक ही नारा सुना है मैंने, एक ही नारा सुना है, पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, एक ही नारा सुनाई पड़ता है, मोदी 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 मोदी। मित्रों, मोदी मोदी का जो नारा सुनाई पड़ता है, ये नारा कोई महज चुनावी नारा नहीं, देश की 125 करोड़ की जनता के मन से निकला हुआ नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और मित्रों, ये नारा जो मोदी मोदी का सुनाई पड़ता है, वो बताता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी 19 के चुनाव में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे प्रधानमंत्री। और मित्रों, इसका कारण नरेंद्र मोदी जी वो नेता है देश जिसकी 70 साल से राह देखा, देश चाहता था कि कैसा व्यक्ति आए प्रधानमंत्री बने जो देश के गरीबों की चिंता करे, देश के गरीबों के लिए परिश्रम करे, देश के किसानों के लिए करे, देश के आदिवासियों के लिए करे, देश के पिछड़ों के लिए कठोर परिश्रम करे। और मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जानता हूं, 20 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं ली। 20 साल तक 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत परिश्रम करने वाला ये प्रधानमंत्री, और दूसरी ओर एक गठबंधन के नेता राहुल बाबा है। थोड़ी गर्मी पड़ी नहीं कि राहुल बाबा वैकेशन पर विदेश गए, और विदेश भी ऐसे जाते हैं मां भी ढूंढती रह जाती है।
इस देश के गरीबों के लिए इनके जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, देश की सात करोड़ गरीब माताओं की झोपड़ी से धुआं गायब कर चूल्हा गायब कर गैस का सिलेंडर और गैस की सगड़ी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाया। गरीब माँ, गरीब बेटी शोक से, शर्म से सुबह की प्रातः क्रिया करती थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय पहुंचाकर 8 करोड़ परिवारों की महिलाओं को, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता पहुंचा है। मित्रों, सम्मान के साथ जीने, देश में एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली न पहुंची हो। देश में 90% से ज्यादा घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर देने का काम किया है। और मित्रों, देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाकर उनके स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा। एक जमाना था गरीब के घर में कोई बीमारी आती थी, मानो बाप को कैंसर हो गया तो गरीब बेचारा बेटा बाप को अस्पताल को ले जाता था। 2 दिन टेस्ट वेस्ट होते थे, बिल आया, बाप कहता था बेटे घर ले जा, मैं तो कैंसर से मरूंगा, तेरा पूरा परिवार ये ऋण के बोझ के तले दबकर मर जाएगा, दबकर मर जाएगा। और आंख में आंसू के साथ बेटा अपने बाप को घर पर ले जाता, वो इलाज नहीं करा। मगर आज कैंसर हो जाए, लकवा मार जाए, हार्ट अटैक हो, गुर्दा बदलाना हो, लीवर बदलाना हो, कोई भी बड़ी बीमारी हो, 5 लाख तक का खर्चा पूरा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और आज सुबह तक 24 लाख 25 हजार लोगों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मित्रों, राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। यहां पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य बनाने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने किया। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, अभी अभी मैं देख रहा था कि राहुल बाबा जोर से पूछ रहे थे, मैंने देखा बाप अभी अभी उनको क्या हुआ है, किसी ने सलाह दी है कि जोर से बोलो तो लोग ज्यादा सुनते, तो जोर से बोल रहे। मोदी जी बताओ आपने राजस्थान के लिए क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांगते हो? भैया हमें तो अभी जुम्मे 5 साल हुए हैं, आपने तो इस देश पर 55 साल और 4 पीढ़ी तक शासन किया है, ये मेरे दौसा की जनता आपका हिसाब मांगती है, जरा हिसाब लेकर आ जाओ। मित्रों, मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की जरूरत नहीं, मगर ये दौसा की जनता जो मेरे सामने बैठी है वो हमारी माई बाप है, माई बाप, मैं उसको हिसाब देने आया हूं, दौसा की जनता को हिसाब दे। मित्रों, 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सोनिया, मनमोहन की सरकार थी, अभी के मुख्यमंत्री महामंत्री भी रहे, और 10 साल तक राजस्थान को क्या दिया? गहलोत साहब, कान बहरे नहीं हुए तो कान खोल कर सुनो और जवाब दो, आपने 10 साल में राजस्थान को क्या किया? 13वां वित्त आयोग आया, 13 फाइनेंस कमीशन में राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने 1,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था बोलो भाई? मैं फिर से बोलता हूं, जोर से बोलना पड़ेगा, 1,09,000 करोड़ रुपया 5 साल में कांग्रेस ने दिया था। कितना?
अब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना दी, 26 की 26 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। अब मोदी जी ने 14 से 19 के बीच में 5 साल किया काम, ये 25 की 25 सीटों का परिणाम देखिए साहब। मोदी जी ने 5 साल काम किया, 1,09,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,78,461 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का। मुद्रा लोन के अंदर 37,500 करोड़, रेलवे के लिए 23,000 करोड़, अमृत मिशन 1,600 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान 409 करोड़, मुद्रा प्रबंधन 457 करोड़, 6 राष्ट्रीय